नजर आ रही है, कबीर को ढूंढ रही, कुछ आता पता नहीं है, फोन बंद है, टेंशन से हालत खराब है, क्या बताएंगी? टेंशन से हालत ख़राब है, बिल्कुल सच है। बात शुरू कहीं और हुई थी और बहुत कहीं गई और गई है अम्मा की वजह से। अम्मा को ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि वो भी मुझे बचाने आई, लेकिन बात शुरू हुई थी अमान के मदरसे और स्कूल की लड़ाई को लेकर, और बात चली गई है मेहर के 1 करोड़ रुपए पे, जो कबीर को कहीं ना कहीं बहुत हर्ट किए। कहीं भी किसी का भी ईगो हर्ट होगा, ईगो भी नहीं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट घर के सामने है कि इस इतनी सी बात को आप इतना क्यों कर रहे हो। अम्मा ने जो सुनाया, मुझे पता है कबीर बहुत हर्ट हुआ है, उसकी आंखों में हिज आइज वर ग्लेज्ड। तो मैं जाती हूँ और कबीर कहीं नहीं मिल रहा, तो और टेंशन में आ जाती हूँ। कबीर का फ़ोन स्विच ऑफ है, पूरा घर ढूंढ लिया कबीर कहीं नहीं, तो गया कहाँ? तो ढूंढ ही रही हूँ, गुस्सा भी आ रही है, खुद इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ। क्या लगता है कबीर कहाँ गए रहेंगे? सिचुएशन काफ़ी, आपने कहा ईगो हर्ट हो गया, इंसान का ईगो हर्ट होता है तो, एंड मेल ईगो, मेल ईगो, क्या लगता है कहाँ गए रहेंगे कबीर भैया? एक्चुअली इसका हर्ट होना भी चाहिए, जिस तरीके से अम्मा ने सुनाया वो सब गलत था, उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और हर जगह ढूंढ लिया मैंने, हर कमरे में देख लिया है, बालकनी में देख लिया, टेरेस पे देख लिया, एवरी वे, बट ही इज़ नो वेयर। तो आई डोंट नो कहाँ गया होगा। देखते हैं ढूंढ पाती भी हूँ मैं या नहीं ढूंढ पाती हूँ, बिकॉज मैं भी बहुत परेशान हूँ कि कहाँ गया है। सो या हार्ट फील्स हैवी। अच्छा, कबीर को ढूंढते ढूंढते उसकी खोज में निकालने के लिए आप रुखसार के पास भी पहुंचती हैं, जहाँ पे वो बताती है उनको पता है, वो उनको चोट लग जाती है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप बहुत जल्दबाजी में होते हो तो आपको कोई 2 सेकंड के लिए रोके ना, तो आप इरिटेट होने लग जाते हो। मैं गई अमान और रुखसार के कमरे में और रुखसार मुझसे बोलती है कि हमने कबीर को देखा, तो मैं जल्दी जाती हूँ कि कहाँ है, और मुझे पकड़ लेती है। तो माय इंटेंशन इज़ नॉट टू हार्म और समथिंग, बट मैं उसको पुश करती हूँ, वो गिर जाती है, बट इतना टाइम नहीं होता कि सॉरी वॉरी बोलूँ, वहाँ से भाग जाती हूँ। तो चलिए, अभी जो सीरियल में नया मुद्दा उठ रहा है मदरसा को लेकर और आपकी राय को लेकर, तो ये आपके और कबीर की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ उतर कुतर लाने वाले हैं, तो इसके बारे में हमें ओवरऑल एक कुछ बताना चाहिए तो क्या रहेगा? मेरा मानना है कि नाकामी से कभी भागना नहीं चाहिए, ज़ारा का मानना है। अगर इस सेशन में वो फेल हुआ है या उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए हैं, तो एटलीस्ट ये सेशन अमान का पूरा हो जाए। मेरा, मैं मदरसे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरा मानना है कि ये सेशन एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए तो हम मदरसे में डालते हैं, ताकि वो एक कामयाब स्टूडेंट की तरह वहाँ से निकले। उसमें पता हो कि नाकामी से कभी भागना नहीं चाहिए, लेकिन कबीर का मानना क्या भी उसे डाल देते हैं, तो उसी के बीच में लड़ाई चल रही है। वहीं पर कशान भाई चाहते हैं कि वो मदरसे में ना पढ़े, वो सिर्फ स्कूल में पढ़े, तो वो तो वो चल ही रहा है, लेकिन ज़ारा और कबीर के बीच भी थोड़े टकराव आ गए। अच्छा, लास्टली अभी कबीर गायब है, अगर वो मिल जाएंगे किस तरह से ज़ारा उनको समझाने की कोशिश करेंगी, बैक टू नॉर्मल थिंग लाने की कोशिश करेंगी? आई विल ट्राई कि आई विल से सॉरी टू हिम, बिकॉज अम्मा ने जो कुछ भी कहा वो प्योरली गुस्सा था उनका। तो आई विल ट्राई कि मैं बोलूँ कि यार वो उनका गुस्सा था, हम उनकी तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं, तुम दिल पर मत लगाओ इस बात को। अब देखते हैं कबीर मानता है नहीं मानता, वो ऑलरेडी हर्ट था, अम्मा ने आके और हर्ट कर दिया, तो लेयर्स पे लेयर्स चढ़ रहे हैं। लेकिन आई नो कि आई फील ज़ारा कबीर का रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सब चीज़ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ी दूरियां आ जाती हैं, सो आई विल ट्राई वो डिस्टेंस ना आए। थैंक यू।